एयरफोर्स डे पर वायुसेना की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी ने ग्राउंड जीरो से पल पल की रिपोर्ट की। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 88वें एयरफोर्स दिवस के मौके पर आज सबसे महत्वपूर्ण होगा ये स्टैटिक डिस्प्ले और दूसरी चीज होगी खास तौर पर फ्लाई पास। अगर आप नज़ारा देखें तो आपको नजर आएगा चिनूक हेलीकॉप्टर जो है ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर्स, ये आपको आर्टिलरी गन्स यानी अगर आप पीछे वाले हेलीकॉप्टर्स में देख रहे हो तो लाइट आर्टिलरी गन्स को ले जाते हुए, और इसके अलावा दूसरा है ये हैवी लोड ले जाते हैं। इसकी कैपेसिटी जो है करीबन 30 से 40 टन की है, और ना सिर्फ ये सोल्जर्स को 30 के करीब सोल्जर्स को आगे मोबिलाइज कर सकता है बल्कि हैवी पेलोड लेकर भी उड़ान भर सकता है। और यही वो गेम चेंजर था जिसने ईस्टर्न लद्दाख के अंदर एक सरप्राइज दिया चीन को। ये पहली झलक थी, कहते हैं कि राफेल गेम चेंजर होगा, लेकिन उस राफेल की गेम चेंजर की तस्वीरें हम आपको दिखाने लग रहे हैं कि अगर आप देखें कि राफेल विमान जो है वो फ्लाईपास या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लाईपास का हिस्सा, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि राफेल सुखोई के, और आपको याद होगा कि मनोवरिंग करते हुए विमान और राफेल विमान जो है दो राफेल विमानों को इसका शामिल किया गया। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला मौका है कि राफेल विमान को इस डिस्प्ले के अंदर शामिल किया गया होगा। ये हेलीकॉप्टर्स एक बार फिर दोबारा से इसी तरीके का मनोवर करते हुए, और ये अगर आप देखें कि ये इम्पॉर्टेंट है इस समय जानना देखना कि ना सिर्फ हमारे जो फिक्स विंग्स हैं, अलग अलग विंग्स हैं, ट्रांसपोर्टर विंग्स हैं, फाइटर विंग है, बल्कि जो हमारे ट्रेनिंग विंग्स हैं वो भी इसका हिस्सा है। हालांकि ये बहुत अगर आप देखें क्रॉस करते हुए एक दूसरे को, ये अद्भुत तस्वीरें समीर निश्चित तौर पर बहुत कम देखने को मिलती हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के? क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।